भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष इतिहास में दर्ज करा लिया है। भारत ने 3 मिनट में अंतरिक्ष में LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराया। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का 4th देश बन गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। दरअसल 27 मार्च को भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति यानी स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा लिया है। अब तक दुनिया के 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन को ये उपलब्धि हासिल थी। भारत 4th देश है जिसने आज ये सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। मोदी के मुताबिक लो ऑर्बिट में ये लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में ऑपरेशन पूरा किया गया। मिशन शक्ति नाम का ये ऑपरेशन बेहद कठिन था क्योंकि इसमें बहुत उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की जरूरत होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए। सभी भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है कि ये पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन शक्ति से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, DRDO के लोगों को बधाई दी है। मोदी ने कहा कि दुनिया में स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ता जा रहा है, शायद जीवन इसके बिना अधूरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगी। हालांकि भारत विश्व समुदाय को आश्वस्त करता है कि ये नई क्षमता किसी के विरुद्ध नहीं है। मैं आज विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है, यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का ये परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए करना चाहते हैं। दरअसल स्पेस टेक्नोलॉजी ऐसा विज्ञान है जिसका इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों के साथ साथ सैनिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी के दोहरे स्वरूप के कारण कई बार ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि परीक्षण का असली प्रायोजन क्या है। साल 2007 और 2010 में चीन ने एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण किया था। ये परीक्षण भारत के लिए चिंता का विषय था। 2007 में जब चीन ने एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया था तो इसकी काफी आलोचना हुई थी। कुछ विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा था कि अगर फिर से चीन इसका परीक्षण करता है तो इसे मार कर गिरा दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन गुपचुप तरीके से कई एंटी सैटेलाइट वेपन के परीक्षण की तैयारी कर रहा था, जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। लिहाजा मोदी सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश जारी किए थे और 27 मार्च सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ने वाला रहा है।